हेलो माय डियर किड्स, वेलकम बैक टू द ब्रेन रूट सीरीज बाय अमित पब्लिशिंग हाउस. चिल्ड्रन, माय नेम इज वंदना एंड वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर ऑफ क्लास 7th. हियर इज ए बुक एंड द नेम ऑफ योर बुक इज ग्रामर ग्लिटर ओडिसी. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 20 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस. हाउ सेंटेंसेस आर changed, this we will learn here. Transformation of sentences is the process by which a sentence in a particular form is transferred to another without altering its meaning. तो transformation का मतलब है children कि sentence जो भी दिया गया है उसको change कर देना दूसरे form में बिना उसके meaning को change किए. The general rules of sentence transformation are as follows. So, कुछ rules हैं sentence transformation के that we will learn now. To transform an affirmative sentence into negative sentence. एक affirmative sentence को अगर हमें negative sentence में convert करना है तो हम क्या करेंगे? The common rule is to add not to the principal verb in the sentence. हम क्या करते हैं? जो भी sentence है उसमें हम verb के साथ not लगा देते हैं. To convert an assertive sentence into interrogative sentence, अब assertive sentence उसे interrogative में convert करना तो हम क्या करते हैं? The first thing you will need to do is to invert the position of the subject in the auxiliary verb. हम क्या करेंगे? जो auxiliary verb है और जो subject है उन दोनों की position को change कर देंगे. While the rest of the sentence mostly remains unchanged, और जो ज़्यादातर जो sentence बचता है वो unchanged रहता है. Do not forget to insert a question mark after an interrogative sentence. हम क्या करते हैं? सेंटेंस तो लिख लिया पर क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गए. तो डू नॉट फॉरगेट टू इंसर्ट एन इंटरोगेटिव सॉरी एन अ क्वेश्चन मार्क एंड द एग्जाम्पल्स हियर आर हाउ ब्यूटिफुल इज दिस रोज. ये आप देख सकते हो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है एंड इसे हमने जो है सेंटेंस को चेंज किया है और सेंटेंस क्या बन गया? दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल रोज. व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री. इट वाज अ ग्रेट विक्ट्री. आई वाज डाउटफुल फॉर योर सक्सेस. आई वाज नॉट श्योर फॉर योर सक्सेस. वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर. देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर. व्हाट इफ आई एम लेट. It does not matter if I am late. Is there any sense in waiting for him for 3 hours? There's no sense in waiting for him for 3 hours. अब आप देख सकते हैं ये सारे जो सेंटेंस हैं ये 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 ऐसे जितने भी सेंटेंस हैं आप देख सकते हो दोनों को आप दोनों अलग अलग तरीके से लिखे गए बट दोनों का मीनिंग सेम है. Now let's quickly do this exercise. Change each of the sentences as directed. Now the first one is, you will never forget this wonderful boat ride. Change in interrogative. इसका हमें question बनाना है. So अभी हमने पढ़ा था कि subject और auxiliary verb का जो place है वो हमें change कर देना चाहिए. तो क्या बनेगा? First one will be, will you? अब नेवर बन गया एवर. विल यू एवर फॉरगेट दिस वंडरफुल बोट राइड. नेक्स्ट इज हाउ वेट एंड कोल्ड आर यू. अब आप देख सकते हो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है इसे हमें क्या करना है असर्टिव में चेंज करना है. तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट को सबसे आगे ले आएंगे एंड द सेंटेंस विल बी यू आर वेरी वेट एंड कोल्ड. क्लियर चिल्ड्रन? तो सब्जेक्ट को हमने सबसे स्टार्टिंग में कर दिया एंड सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर दिया है. सो लाइक दिस यू हैव टू चेंज द गिवन सेंटेंसेस अकॉर्डिंगली.
Next is B exercise. Transform the following sentences into negative. इन्हें इन sentences को negative form में करना है. I like watching movies. I do not like watching movies. They finished the project. They did not. अब finished बन जाएगा finish. The project. Clear, children? So this was second one. So like this, complete the rest of the questions yourself. Next is transform the following sentences into affirmative, means positive sentence. तो sentence क्या है? Is this my shop? Sentence बन जाएगा बेटा यहाँ पे आपको इसे इज करना है. इज दिस माई शॉप? तो हमने सेंटेंस बनाया दिस इज माई शॉप. वॉज द कंप्यूटर वर्किंग? द कंप्यूटर वॉज वर्किंग. So like this, you have to change the rest of the questions that are given here. So with this, we have learned sentence transformation. I hope you understood it and you have to complete the given work. I'll be meeting you soon with a new video. Till then, thanks for watching.